पश्चिमी यूपी के बिजनौर जिले में बेखौफ बदमाशों के हौसले इतने बुलंद हो चुके हैं कि कार सवार तीन बदमाशों ने बाइक सवार तीन लोगों को गोली मार दी, जिसमें से एक की मौके पर ही मौत हो गई जबकि दो गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। वहीं हालत नाजुक देखते हुए दोनों घायलों को मेरठ अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया। क्या हुआ आपके साथ ही होगा जी साहब? हम हमारे चचेरे के भतीजे के साथ थे। अच्छा, हम दौड़ने लेने के लिए गए बड़ापुर जी, दावती का वाला मेहमान लोग थे जी। हम जैसे उधर से वापसी आए तो एक चार पहिए गाड़ी खड़ी थी रोड से बची हुई साइड में, जो हम सब बोले मैं हमें रामपुर का रास्ता पता था, हम बोले भैया रामपुर का हाथी था नहीं, रामपुर नहीं थी, और एक ने रैपट आके मार दिया हमारे भतीजे का और दूसरे ने गोली मार दी पीछे का, तीन फायरिंग करी हमारे पास। कितने लोग थे आपने? हम तीन ही थे साहब। वो जो मेरी गाड़ी में बैठा था दो बाहर थे गाड़ी से। तो क्या बदमाश जो थे नकाब पोश थे या नहीं? दाढ़ी रोक रखी, सफ़ेद कपड़ा ऊपर बांध रखा, लाल जो पठान सूट होते हैं ना ऐसे पहले पहचान दिया तुमने अपनी? जी नहीं। तो बाइक में गाड़ी पे थे? बाइक में था गाड़ी पे थे ना हम अपने दो। क्या कहा आपको आप लोगों को रोक के? क्या कहा उन्होंने? जो बताया हमें रामपुर का रास्ता बता दो, भाई इधर कोई रामपुर नहीं है। अब इस लड़के का रेपड़ मार दिया हमारे भतीजे का, फिर अब फिर भी एक पीछे से आकर उन्हें गोली मार दी। भाई इतनी दुर्घटना हुई, तीन गोली तीन फायर करे जी, तीनों को एक एक करके जी। मैं जैसा पिछले वाले लगी ना तो मैं मोटरसाइकिल से नीचे गिर गया, क्या अपनी जान बचती। किसी की मृत्यु भी हुई जी? क्यों बुलाकी सिंह की, वो भी आपका साथी है जी, हमारे चाचा लगे बड़ा पोस्ट से तीन पेशेंट आए हैं जिनको तीनों को गोली लगी हुई है। एक तो रोड डेड आया है जी, जिसकी कमर के पीछे गोली लगी हुई है बाई साइड के। दो जो हैं एक फिरोजी नाम का है और एक महावीर नाम का है, दोनों के बाएं पैर के कुल्ले के पास गोली लगी है और दोनों गंभीर अवस्था में यहाँ पर भर्ती किए गए हैं जिनको अभी रेफर किया है। सर क्या कुछ पता चल पाया कि किस वजह से इन्हें गोली मारी गई? अभी नहीं है, इन्होंने बताया कि ये मोटरसाइकिल पर तीनों कहीं जा रहे थे, इसके इससे ज़्यादा अभी कोई जानकारी नहीं। एक ही मौत हो गई? एक ही मौत हो गई।